अब बन गया ना रोहित भाई? चालू हो गया रिकॉर्डिंग। अच्छा ओके, रिकॉर्डिंग मैं भी कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है ओके, सो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज 24th है, यानी कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन का कॉमिक कॉन इवेंट भी चल रहा है। और एक छोटा सा इवेंट अपन ने भी रखा है अपने फैंस के लिए, अपने फैंस के लिए क्या, हमारे लिए ही कह सकते हो आप लोग। और हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो सुपर हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल है, वो इनडायरेक्टली कह लो या डायरेक्टली कह लो, ठाकुर कॉमिक्स को सपोर्ट करता है। और आज मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ है कॉमिक ट्रिक्स से, कॉमिक ट्रिक्स शॉर्ट और कॉमिक ट्रिक्स से मिस्टर वाली अली। भाई क्लैप करो इस बंदे के लिए, सही में मतलब जो काम कर रहा है ना ये आजकल। अच्छा, और एक गेस्ट है मेरे पास, मेरे पास और एक गेस्ट है, और इनसे मेरी मतलब जान पहचान पहले से हुई है। मतलब ज्यादा जान पुरानी भी जान पहचान नहीं है, ये एक्चुअली पॉडकास्ट जनवरी में आ जाता ये जनवरी में आ जाता बट ये बहुत लंबी कहानी है। अरे यार मैं बताऊँ, किसी को टाइम नहीं मिल रहा था, किसी का कुछ शेड्यूल आ रहा है, किसी का कुछ शेड्यूल आ रहा है। मेरे साथ मेरा तो मोबाइल चोरी हो गया था उस टाइम, तो बहुत चीजें हो रही थी उस टाइम। अच्छा, तो हमारे साथ जुड़े हैं रोहित सामंत जी, जो कि कॉमिक सागा यूनिवर्स, मैंने सही प्रोनाउंस किया ना नाम? हाँ बराबर है, कॉमिक सागा यूनिवर्स। नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब इतने सारे कॉमिक्स के चैनल है, और मैंने मतलब वेस्टर्न वालों को भी सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं लिटरली मैंने वेस्टर्न वालों को भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई किसने वीडियो डाली है, मैं वो नोटिफिकेशन चेक करना पड़ता है। अच्छा ऐसे, कॉमिक सागा यूनिवर्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हीरो नेटवर्क्स पे। और ये इनका पहला डेब्यू नहीं है, इन्होंने एज एन राइटर ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले भी डेब्यू करा हुआ है। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ठाकुर कॉमिक्स की जो तीसरी कॉमिक्स आई थी हिंसा यार्ता, एक्चुअली उनके को राइटर यही हैं, तो हाँ इन्होंने काफी हेल्प करी है मेरी उस कॉमिक बुक को लिखने में। सो लेट्स स्टार्ट द रियल ब्लॉकबस्टर। ओके, सो डू नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनाउंस ऑलमोस्ट। ठीक है, मेरे पास कुछ लिस्ट है जो मैं अभी अनाउंस करने वाला हूँ। और ठीक है, मतलब जनवरी, ओके, मई, ओके, 2023 मई, मई 2024 तक के प्लान्स मेरे पास है। अच्छा, मई 2024 तक के प्लान्स, और इन सब पे ऑफिशियली ठाकुर कॉमिक्स ने वर्क स्टार्ट कर दिया। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई नाउ प्रेजेंट यू द फर्स्ट कॉमिक ऑफ ठाकुर कॉमिक्स, जो कि रिलीज हुई थी 4/11/2021 को। ठीक है, और ठाकुर कॉमिक्स मतलब एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ, 2019 में कंपनी है जो शुरू करी गई थी, और मैं ही था वो जिसने शुरू किया था, बाकी लोग मिलते गए, फिर यू नो कहते ना कुछ लोग मिलते हैं फिर काफिला बनता है धीरे धीरे सब ऐसे, तो मेरे को अच्छे खासे लोग मिले, आप जैसे और भी बहुत से टैलेंटेड मेंबर्स हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से आज इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट कोई बात नहीं, ये हमारी पहली मीटिंग है बट आखिरी बिल्कुल नहीं है, और इसी बात को आगे कंटिन्यू, वही वो तो चलता रहेगा यार। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि ठाकुर कॉमिक्स एक्चुअली यही था कि जो रियलिटी है, जो रियल वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं, उसको मैं एक फ्रिक्शन टच में कैसे दिखा सकता हूँ, ये मेरा मानना था। अब ये मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफकोर्स जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो लोग सोचते हैं यार क्या दिखाऊंगा मैं, यानी कि मतलब मेरा प्रोडक्ट ऐसा क्या हो जो लोग ऐसा ना देखते यू करके बाय कर ले, तो वो काफी चीजें थी मेरे दिमाग में कि हाँ मैं को ऐसा करना है वैसा करना है। अब आप सबकी तरह मैं भी बचपन से कॉमिक बुक का फैन रहा हूँ, और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट करी कंपनी, और वी आर डूइंग ग्रेट राइट नाउ। ओके, 2024 तक के प्लान है भाई मेरे पास, और ये अकेले की मेहनत नहीं है, बाकी बहुत से लोगों ने मदद करी है मेरी। तो मैंने पहली कॉमिक बुक ऑलरेडी हमने 4/11/2021 को रिलीज कर दिया था, जिसका नाम था एजेंट आर, और इसको सिर्फ सुपर हीरो नेटवर्क्स में नहीं बल्कि कॉमिक सागा यूनिवर्स यूट्यूब चैनल ने भी कवर किया था, जिसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा रोहित सामंत जी को। और मतलब वो फेज ही अलग था यार, जब यू नो एक कोलैबोरेशन होता है ना तो फेज ही अलग होता है वो। उसके बाद सेकेंड कॉमिक बुक हमारा क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया गया, जिसका नाम था अनदेखा एजेंट आर,
अब रोहित भाई पता है क्या है कि जब हम लोग कॉमिक, उनको पता होगा कि जब भी कोई कॉमिक कवर होता है ना, तो उनके बीच में टाइमलाइंस होती हैं, स्टोरी लाइंस होती हैं, जो काफी डिफरेंट होती है। तो एजेंट आर था ना, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था, मैंने सोचा था देखते हैं क्या होगा, बट वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत काम कर गया और मेरे को लगा कि हाँ भाई सही है, काम कर रहा है, ठीक है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब थोड़ा प्लान करके चलते हैं, ठीक है, पहले अपन ऐसे ही आ गए थे, अब थोड़ा प्लान करके चलेंगे। तो अब दिक्कत क्या हुई पता है, कि मैंने स्टोरी तो सोच ली, अब मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं, क्योंकि चार पेज की स्टोरी में क्या ही दिखा सकता हूँ मैं। फर्स्ट इशू चार पेज का था मतलब वही चार पेज का इशू था, उसको मैंने कंप्लीट किया। बट सेकेंड बुक पे मैंने थोड़ी मेहनत करी, सेकेंड बुक पे मैंने सोचा भाई थोड़ा ग्रैंड लेवल पे सोचेंगे, ऐसा क्या है जो अभी तक कोई भी कंपनी नहीं कर पाई है, जो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा था, मेरा पहला थिंकिंग था। फिर जब मैंने जाना कि भाई अपन तो नए हैं, मतलब यहाँ बड़े बड़े दिग्गज भी हाथ आजमा चुके हैं, तो अपन क्या ही है, तो इस वजह से मैंने सोचा ठीक है और रिसर्च करेंगे थोड़ा। तो मैंने 25 पेजेस की बुक बनाई जिसका नाम था अनदेखा एजेंट आर। अब इसमें ना एज एन राइटर भी मैं ही था और आर्टिस्ट भी मैं ही था। अब मुझे पता है मेरा आर्ट वर्क इतना अच्छा नहीं है, बट स्टोरी मैं लिख सकता हूँ। तो ये था कि इसमें फर्स्ट बुक से लेके सेकंड बुक तक के जो बीच में टाइम गैप है वो एक्चुअली 30 years का है, ठीक है। भाई वो आर्यन भाई भी आ गए, आर्यन भाई आ गए, ए रौनक बना दी। हेलो वाइल्ड कार्ड एंट्री, शायद अभी हां वाइल्ड कार्ड एंट्री, अभी अभी थोड़ा वो उन्होंने अभी ऑफ कर रखा है एक्चुअली, थोड़ा सा शायद ओके ट्रैवल कर रहा हूं ऑफिस से घर। ओके सो वी आर हम और एक हमारे साथी का वेलकम करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में, जिनका नाम है आर्यन नारक, जो कि सुपर हीरो कॉस्मोस और दी नडी के मालिक है, यूट्यूब चैनल के मालिक है, और हाँ वो भी हमारे साथ काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। तो आर्यन भाई आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल सुपर हीरो नेटवर्क पे। ऑलरेडी मैंने दो लोगों का स्पेशली अलग अलग से इंटरव्यू लिया हुआ था, है ना, मैंने आर्यन भाई का पहले क्या मेरा एक शो आता है, आई डोंट नो कौन सा शो है, आया करता था, तो मैंने दो इंटरव्यू लिए थे, मेरे को याद दो से तीन, रोहित भाई का बाकी था। और उम्मीद करेंगे कि रोहित भाई भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा उनको, कि कभी टाइम मिले तो आ जाना मेरे चैनल पे अपना इंटरव्यू देने। ओके तो आर्यन भाई आपको आवाज आ रही है ना हमारी? मेरे हाँ थोड़ा नेटवर्क लो है, सो ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके आपको हमारी आवाज आ रही है ना? हेलो वो सुन तो रहे हैं, मतलब उन्होंने बोल दिया कि इनका थोड़ा नेटवर्क इशू वो चलता रहता है। ओके ओके कोई नहीं कोई नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो मैंने ये बताया कि फर्स्ट बुक जो थी उसमें से लेके सेकंड बुक तक का इसमें जो टाइम गैप था वो 30 years का था। अब ना इन 30 years में काफी कुछ चेंज हो गया। तो ये जो 30 years का टाइम गैप था ना, अब इसको फिल करने में ना मेरी बैंड बज गई यार सही में। तो अब जो मैं प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाला हूँ आज के दिन, यानी कि 24 July को, जो जहाँ साइड बाय साइड कॉमिक कॉन इवेंट आने वाला है, मुझे मालूम है बहुत सब लोग बिजी होंगे, हर कोई मतलब कॉमिक कॉन को कवर करने के पीछे लगा होगा। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला इसके लिए। अब ये जो 44 बुक्स हैं ये एक्चुअली उस 30 years के टाइम गैप को फिलअप करने वाले हैं। मतलब पहली बुक जो आई थिंक 90s में सेट थी, अब ये जो सेकेंड बुक आई है ये एक्चुअली 2000s में सेट है, मतलब 2022 या 2023 के टाइमलाइन के हिसाब से सेट थी। अब इनके बीच का जो टाइम गैप है इनको ना कवर अप करने के लिए मेरे पास कुछ 44 बुक्स है, ठीक है 44, बट फिलहाल आज के लिए हम लोग सिर्फ 24 बुक्स अनाउंस करने वाले हैं। अब शुरू करते हैं थर्ड बुक से जो कि है हिंसा यार्था। अब हिंसा यार्था जो थी ना वो 26 को आया था, 26 जनवरी 2022 को, यानी कि इसी साल जनवरी में। और मेरा प्लान ये था कि रिपब्लिक डे को ही ये एक्चुअली पॉडकास्ट आ जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी बुक की, जिसका नाम है टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट जो है ना ये बहुत से कैरेक्टर्स को इंट्रोडक्शन करवाती है, जैसे एजेंट आर में, मतलब अनदेखा एजेंट आर में बहुत से कैरेक्टर्स आए थे। एजेंट आर लिटरली एक स्पेस एजेंसी का मतलब पूरा कॉस्मिक हो जाता है। अब ये जो टेंजेंट है ना ये एक्चुअली छोटे से सिटी की कहानी है। इसके बाद अपन बात करें तो हिंसा यार्था का वॉल्यूम 2 है। अब क्योंकि बिकॉज हिंसा यार्था ना एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, तो उसमें जितनी कहानी बताई जा सके उतनी कम है, दैट्स वाई इसका वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। अब मैं आपको ना रिलीजिंग डेट के शेड्यूल्स के हिसाब से बताता हूँ। ठाकुर कॉमिक्स #4 टेंजेंट रिलीज होने वाली है अगस्त 2022 में,
ठीक है। अब ठाकुर कॉमिक्स #5 हिंसा यार्ता जो कि रिलीज होने वाली है सितंबर 2022 में। अब ठाकुर कॉमिक्स #6 इस बुक का नाम है अपराध, ठीक है, और ये अक्टूबर 2022 में रिलीज हो जाएगी। अब इसके बाद जो है ठाकुर कॉमिक्स #7 अब इसका नाम है रक्षक। अब इसको आप याली डीम क्रिएशंस के रक्षक से कंफ्यूज ना करना, बिकॉज वो एक सुपर हीरो था और ये एक सिटी की कहानी है। रक्षक एक सिटी की कहानी है ठाकुर कॉमिक्स के यूनिवर्स में। अब इसके बाद बात करें ठाकुर कॉमिक्स #8 की, तो यहाँ एक छोटा सा सरप्राइज है। ये एक अनटाइटल्ड बुक है, ठीक है, मतलब इसके राइटर्स मिल चुके हैं मुझको, बट ये अनटाइटल्ड है। अब बात करते हैं ठाकुर कॉमिक्स के मोस्ट लव्ड कैरेक्टर की, जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिला है इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी, ठीक है, जो कि है आकाश का, ठीक है, एंड इट्स इन रेफरेंस टू आर्यन नारक सर, ठीक है। और आकाश की पहली कॉमिक बुक रिलीज होगी #9 में, यानी कि 9वें स्थान पे है, और इस बुक का नाम है आकाश के किस्से, जो कि जनवरी 2023 में रिलीज कर दी जाएगी। अब बात करते हैं ठाकुर कॉमिक्स #10 की, जो कि अनटाइटल्ड है। अब यहाँ पे जो अनटाइटल्ड वर्क मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर मतलब इनफाइनाइट। अब इसके बाद बात करते हैं ठाकुर कॉमिक्स के कुछ ऐसे स्पीशीज की जो हमेशा हाइड होता है, मतलब उनको ना दुनिया से लेना देना ही नहीं है, उनको बस अपने स्पीशीज के साथ रहना है, और इस स्पीशीज का नाम है अमानव, ठीक है, और इनकी पहली बुक आ रही है मार्च 2023 को। अब बात करते हैं कैथरीनी की। अब कैथरीनी एक मतलब एक गैजेट है जिसपे नेट हाउस ने काम किया था। अब नेट हाउस क्या है, अगर आपने एजेंडा पढ़ी है तो आपको पता होगा। अब ये डिवाइस के ऊपर पूरा मतलब जर्नी है कि कैसे डिवाइस को क्रिएट किया गया, डिवाइस के क्रिएटर कौन थे, तो इसमें ये दिखाया जाएगा कैटनी, और ये रिलीज की जाएगी अप्रैल 2023 को। अब जो अगली बुक है ना, ये टीनेजर्स के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, जो कि ठाकुर कॉमिक्स #13 है, दर्द, ठीक है। अब ये दर्द जो है ना, ये किसी स्पेसिफिक फिजिकल पेन की बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअली मेंटल पेन की बात हो रही है। अब ऑफकोर्स मार्वल भी करता है और डीसी भी करता है कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो इस हिसाब से मेरे को लगा कि मेंटल हेल्थ पे भी कुछ करते हैं, बिकॉज सुपर हीरो विजिलेंटी ये सब हर कोई करता आ रहा है, अपन कुछ नया करते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो। तो दर्द जो है ना, हाँ, जो दर्द जो है ना, वो एक्चुअली टीनेजर्स के मेंटालिटी को पढ़ने के बाद उनको हिट करेगा कि अच्छा ये तो मैं रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा होगा उनके साथ। अब बात करते हैं ठाकुर कॉमिक्स #14 की, जो कि है चमत्कारी लड़की। अब देखो इसको ना आप अजमीरा से कंफ्यूज ना कर जाना, अजमीरा एक अलग कैरेक्टर है और चमत्कारी लड़की एक अलग कैरेक्टर है, ये एक ओरिजिन बुक होने वाली है। इसको टॉम हॉलैंड से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ठाकुर कॉमिक्स #15। अब यहाँ जो है ना चमत्कारी टुकड़ी, अब देखो ये जो चमत्कारी टुकड़ी है ना, ये एक्चुअली रिसेंटली ही बहुत जल्द आपके सामने पेश हो जाएगी। मतलब मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके कुछ पोस्टर्स हैं, जो कुछ स्टिल्स हैं, जो मैंने ऑलरेडी काफी महीनों से आकिब भाई उस पे काम कर रहे हैं, और वो इंस्टाग्राम पे काफी जल्द रिलीज करने की ऐसी मेरी कोशिश होगी। अब चमत्कारी टुकड़ी जो है ना, ये 2023 में ही रिलीज कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एक सीरीज की, जो कि एक साथ आने वाली है, जिसमें 4 इशू होने वाले हैं, और इस सीरीज का नाम है द चैंपियन। ओके, अब ये चैंपियन जो है ना, ये एक हिसाब से आप इसको ऐसा समझो कि एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होता है ना, कि कैसे वो कितने स्ट्रगल करता है, बस उसी तरीके से है। बस आप वैरायटी आप ये डालो कि ये ना जो आर्टिस्ट है ना, ये ना ही कोई क्रिएटर है ना ही कोई आर्टिस्ट है, मतलब ये क्रिएशन को हेट भी नहीं करता है और ना ही क्रिएशन को पसंद करता है, ये इन द मिडल होता है। एक सेकेंड ना, मैं आया। बहुत जल्द 31 जुलाई को सेकेंड एनिवर्सरी यार कॉमिक बुक्स की। ओके, सो अपने नेक्स्ट टाइटल की ओर चलते हैं, जो कि है धुंधली यादें। अब ये भी 2024 में रिलीज किया जाएगा। अब इसके जो राइटर और आर्टिस्ट हैं वो मेरे को ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट मैं अभी अनाउंस करके या अभी रिवील करके कुछ मजा खराब नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये काफी इनिशियल स्टेज पे है और इसको इसका प्रिपरेशन करने में थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, तो ऑडियंस को इसके बारे में अभी कुछ भी रिवील करके कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज काफी लंबा वेट हो जाएगा, 2023 काफी दूर है अभी, ठीक है। तो अब बात करते हैं ठाकुर कॉमिक्स #21 की, बिकॉज ऑलरेडी अपन ने 20 बुक्स
अनाउंस कर दिए हैं। तो अब बारी है 21 की, जो कि है डी से डोमिनो। अब ये ना थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंजर साइड्स को रिवील करेगा, मतलब जैसे कि मार्वल स्टूडियोज में जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का काम है सेम, बस ये सॉर्सरर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये एक हिसाब से ये भी मेंटल हेल्थ पे ही फोकस करेगा, बट ये इमेजिनेशन में चल रहा है, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास ज्यादा इश्यूज नहीं है अनाउंस करने को। ओके, अब हमारे पास ज्यादा इश्यूज नहीं है अनाउंस करने को। लास्ट के तीन अनाउंसमेंट बचे हैं, इसके बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट के तीन अनाउंसमेंट की। तो ठाकुर कॉमिक्स #22, ठीक है। रॉकी, ये रॉकी नाम बहुत मॉडर्न लग रहा होगा, बट मॉडर्न है नहीं, ठीक है। बट ये मतलब दो टाइमलाइंस पर चलने वाली स्टोरीज है, दो टाइमलाइंस पर चलने वाली स्टोरीज है ये। क्या KGF का रॉकी नहीं है ना? अरे नहीं यार, KGF भाई वो कहां, अपन कहां, ठीक है। नहीं, ये रॉकी का ऐसा है कि ये ना इस प्लेनेट से, मतलब यहाँ से नहीं है वो, ठीक है। इनका एक अलग सिविलाइजेशन है, इनका थोड़ा अलग स्टोरी है, ठीक है। तो अब अपन 2023 से 2024 के स्लेट्स में आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वही, जैसे मैंने बताया कि ठाकुर कॉमिक्स में जो सबसे लवडेबल कैरेक्टर है आकाश, अब उसकी सेकेंड बुक यहाँ पे अनाउंस करी जाएगी, जो कि आकाश के किस्से वॉल्यूम 2 है, ठीक है। और मतलब आकाश का ऐसा है कि ना, एक सेकंड, क्या नहीं चल रही है? नहीं, ये मीटिंग ने बोला है कि 10 मिनट्स लिमिटेड है। मैंने शायद देखी नहीं थी, रुको एक बार सेटिंग में देखता हूँ, एक बार ट्राई करके इसकी टाइम लिमिट और बढ़ा। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ऑल गुड, एक मिनट पी लो। जब मैंने लीव करी थी मीटिंग तो आप कनेक्टेड थे? हाँ, मैं तो कनेक्टेड था। तो बस मैं एक मिनट देखता हूँ सेटिंग चेंज करके, शायद इसकी टाइम लिमिट बढ़ा सकता हूँ। मैं लीव हो चुका हूँ। ओके, नहीं, बिकॉज अभी अपना ज्यादा अनाउंसमेंट बचा नहीं है, अपने को बस एक तीन अनाउंसमेंट बचे हैं ऑलरेडी, उसमें से दो हो चुके हैं। एक लास्ट एक अनाउंसमेंट है और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं है, मेरी तरफ से है। बिकॉज जो भी मैंने अभी अनाउंस किया ना, ये एक्चुअली पूरी टीम की तरफ से था। अब ये लास्ट वाला एक स्पेशल है जो मैंने सोचा हुआ है, सिर्फ मेरे लिए, मतलब सिर्फ मेरी तरफ से। ओके, और बताओ सैन डिएगो कॉमिक कॉन का क्या हालचाल है? अभी कौन कौन कवर करने वाला है इसके बाद? ये देखते पहले न्यूज क्या आती है। नहीं, व्यूज तो आएगा, व्यूज तो आएगा, मतलब भाई कॉमिक बुक के दो जॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ, मार्वल ने कुछ और ही दिखा दिया, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो दिखा दिया। अरे भाई, उनके 30 प्रोजेक्ट है, 30 प्रोजेक्ट, आने वाले 8-10 साल का स्लॉट बुक है उनके पास। डीसी वाले कुछ धमाल करने वाले, दिक्कत भी कोई है ना? नहीं नहीं, डीसी वाले इस बार करेंगे, मतलब अभी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी हो गया ना। वैसे एक चीज और है, जैसे रंजन भाई, आप जैसे आप बनाते हो बुक्स, तो उसको एक बार ट्राई करके देखो, एक बार डिजिटल में, जैसे डीएमसी करते हैं। हाँ, डिजिटल, ओके, हाँ। सो गाइस, नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मतलब सिर्फ ऑफलाइन ही काम कर रहे हैं, डिटिजल भी थोड़ा हो रहा है, बट कैसा है कि, हाँ, कैसा है कि मेरे को डिटिजल आर्टिस्ट थोड़ा हायर करने में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बिकॉज मेरा जो इमेजिनेशन है, मेरा जो थिंकिंग है, वो उनके थिंकिंग के साथ मैच होना चाहिए। अब ऑफलाइन में कैसा होता है, ये तो पॉइंट है, मतलब एक क्रिएटिव डिफरेंस होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। एक चीज और, जब मैंने जब रोहित भाई के साथ मेरा कोलैबोरेशन शॉर्ट्स हुआ था, तब रोहित भाई से मैंने बोल लिया था कि एडिटिंग मैं ही करूंगा, क्योंकि तो मेरे अंदर जो चलता रहता ना कि हाँ, मुझे कौन सी क्लिप डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, वो मुझे ही पता होता अंदर से, मतलब मैं बताता हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने ना देखो फिल्म मेकिंग भी थोड़ा बहुत सीखा है यूट्यूब से ही, ठीक है।
और जहां तक मेरे को फिल्म मेकिंग के बारे में पता है ना, अगर आप एक बहुत अच्छे एडिटर हो ना, मतलब आप बहुत अच्छे अगर फिल्म एडिट कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो, तो इतना आप एक अच्छे खासे आर्टिस्ट भी हो सकते हो कि आपको पता है ना कि कहाँ पॉज देना है, कहाँ पे क्या करना है। तो अगर आपका इतना बेसिक नॉलेज भी होगा तो भी सही हो जाता। ठीक है, अभी रन टाइम बढ़ गया क्या पॉडकास्ट का? इसमें मतलब वही वॉल्यूम 2 है, ये पहला वाला वॉल्यूम 1 था, वही कंटिन्यूशन स्टोरी होने वाली है। अब बात करते हैं ठाकुर कॉमिक्स #24 की, जो की है कसम। अब देखो ये जो है ना, इसमें ऐसा है कि इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ यार, मतलब क्या दिखाऊं मैं। मतलब दिखाने को अपन बहुत कुछ दिखा सकता है, बट उन सब चीजों का सेंस भी बनना चाहिए, बिकॉज अपना जो यूनिवर्स है थोड़ा बहुत एक्सपांड हो रहा है। और सो फाइनली हमने 24 बुक्स अनाउंस किए अभी इस पॉडकास्ट में। ओके, 24 अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अब एक लास्ट अनाउंसमेंट बची है मेरे पास, और ये एक्चुअली एक फैन की रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से शायद मैं अनाउंस करना चाहूंगा, जो कि ये है कि अब फाइनली सुपर हीरो नेटवर्क जो है अपना एक ओरिजिनल डिवीजन लॉन्च करने वाला है काफी जल्द, जिसमें वो कुछ ओरिजिनल कंटेंट रिलीज करने की सोच रहा है। ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट मतलब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट हाँ कुछ ओरिजिनल कंटेंट्स आ सकते हैं सुपर हीरो नेटवर्क पे। ओके, तो यही था इस पॉडकास्ट में, तो कैसा लगा सबको? बहुत बढ़िया, ये तो ऐसा लगा जैसे छुई-मुई, लेकिन बढ़िया था। बस ये लोगों को पसंद आना चाहिए, ये लोगों को पसंद आना चाहिए, आना चाहिए। मेरे को पता है, मेरे को पता है अभी नहीं, अभी कैसा ना कि अगर ऑडियंस को पसंद आए या ना आए, मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को ना रिग्रेट किस बात करा जाता पता है, कि जब मैंने ना अपना मतलब मैं जब अपना 100% ना दूं ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं फील होता है कि अरे इसमें रह गया मैं, या इसमें रह गया मैं, तो वो मेरे को रिग्रेट नहीं चाहिए। इसके लिए मैं ना देना चाहता हूं जो है। मुझे ये तो बात अच्छी लगती है रंजन भाई की व्यूज पे इतना फोकस नहीं करते, मतलब कि व्यूज कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी, जैसे कि हाँ कल अगर एक शॉट डालना है तो डालना है, व्यूज पे नोटिस नहीं करना। का कैसा बस ना? मेरा देखो, मैंने ना यूट्यूब पे मैं 4-5 साल से हूँ, ठीक है, लोगों को लगता है कि मैं 3 से हूँ, बट मैं एज एन ऑडियंस 2 साल रह चुका हूँ यूट्यूब पे, एज एन क्रिएटर 3 साल रह चुका हूँ यूट्यूब पे। तो जितना मैं यूट्यूब पे मतलब ऑलमोस्ट मैं इंडियन हूँ, और इंडियंस का सेकेंड होम यूट्यूब होता है, ठीक है, मेरा सेकेंड एनिवर्सरी आने वाली 31 जुलाई को, उस पर भी बात करेंगे। तो कैसा ना यूट्यूब पे रह के मैं इतना जान लिया कि मैंने बड़े बड़े दिग्गज क्रिएटर्स देखे हैं, ठीक है, मैंने अमन सिन्हा को फॉलो किया हुआ है, मैंने टेक्निकल गुरुजी को भी फॉलो करा हुआ है, बट मैंने देखा ना टाइम के साथ ना उनका एक जो फेम है, एक हाइप है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक टाइम जो ना लाखों में मिलियंस में व्यू आ रहे होते हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, थाउजेंड्स में हो जाते हैं वही। और ये देख के ना मैं समझ गया कि भाई देखो व्यूज के पीछे नहीं भागना मुझको, क्योंकि मेरे भी किसी ना किसी दिन मिलियन आ जाएंगे, किसी ना किसी दिन आ जाएंगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। अभी आया 10 साल बाद मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को चाहिए मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए कैसे भी, ऑडियंस ऑडियंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगी, बट ये है कि क्वालिटी मेंटेन रखना। ये नहीं कि जैसे टेक्निकल गुरुजी की गलती थी कि वो रोज वीडियो बनाते थे तो ऑडियंस बोर हो जाती थी, या ये रोज यही अनबॉक्सिंग आ रही है, तो ऑडियंस को चाहिए अलग, जैसे अलग बैकग्राउंड, अलग क्वालिटी, अलग सब कैमरा, ये सब। देखो वाली भाई कैसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ छोटा सा चेंज करेंगे ना तो शायद ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। ऑडियंस क्या चाहती है पता है, अरे यार क्या ये बोरिंग सा चीज दिखा रहे हैं कि बार बार हर वीडियो में यही कह रहा है, हर वीडियो में यही एक बस छोटी सी चेंज कर दी ना बस, मतलब आप एडिटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करो। अभी पता है मेरा रात को 11:30 बजे एक वीडियो आ रहा है, वो देखना, मतलब अब भी नहीं आएगा जिस दिन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है उस दिन आएगा। फिर से रिस्टोर बना रहा हूं ना मैं रोहित भाई और मेरी वीडियो, तो वो भी शायद मैं रात को अपलोड कर दूं सोने से पहले, देखो। ओके गाइस, सो आप सबका थैंक यू यहाँ पे आने का, आप सबने मेरे चैनल की शान बढ़ाई, स्पेशली आर्यन भाई, उनका फिक्स नहीं था, वो ट्रैवल कर रहे थे एक्चुअली, और बहुत से मेंबर्स हैं। अभी मैं एक एक का नाम लेकर डेडिकेट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज पूरी टीम की मेहनत है, ये मेरे अकेले की नहीं है, ठीक है, और ये ऑनलाइन टीम है, मेरी एक अलग से ऑफलाइन टीम भी है, और उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई है, बट उनका कैसा है ना कि वो अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते,
बिकॉज उसमें था ऑलमोस्ट 80% जो है ना सब माइनर्स है, 80% माइनर्स है और जो बाकी के 20% है जैसे हम लोग, तो वो ऑफलाइन भी काम करता है. तो ऐसी बात नहीं है कि ये बस टाइम पास में शुरू हुआ या ऐसे ही, नहीं, इसका एक मोटिव है. ठीक है, कॉमिक इंडस्ट्री में ना बहुत कुछ है, अगर हम लोग उसको अच्छे से पहचान लेंगे ना तो सही में बहुत कुछ हो जाएगा. मतलब भाई ये, मतलब अभी पता कुछ गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है ना. अब जब गवर्नमेंट गेम्स और कॉमिक बुक्स और एनिमेशन में इन्वेस्ट कर रही है तो कुछ तो बात होगी ना इसमें. अब गवर्नमेंट जब खुद का फायदा निकाल सकती है तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग तो फिर भी क्रिएटर है यार. ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं और जो भी है ऐसे ही काम करते रहो. ठीक है, हाँ बस करते रहना, अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखो. जिस दिन का बस ये ना कि छोड़ देनी चीजें, जो छोड़ देते हैं वो गलत हो जाता है. नहीं, अभी बहुत से यूट्यूबर छोड़ देते हैं, लोग ना निराश हो जाते हैं यार. मतलब जब उनको लगता है ना कि उनका एक चीज फेल हो गया तो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं. अब ऐसी बात नहीं है जो सक्सेसफुल है उनका कुछ फेल नहीं हुआ है, अभी जो सक्सेसफुल है उसका भी तो कितना कुछ फेल हुआ है. टर्मिनेट कर दिया. अब वो समझ नहीं आया कि क्यों करा. अब छोटे क्रिएटर हैं तो कुछ